सिवनी जिले की किरणदई पुलिस ने एक अंधे कत्ल का खुलासा किया है। आरोपी लगातार पुलिस की गिरफ्त से दूर भाग रहा था। पुलिस की टीम ने आरोपी को धर दबोचा है। जानकारी के अनुसार किंदवई थाना के अंतर्गत ग्राम जामुन पानी पर रहने वाला आरोपी प्रदीप को जब गुरुवार को पुलिस ने पकड़कर पुलिस से पूछताछ की तो आरोपी द्वारा दो मर्डर करने की बात स्वीकार की गई। पहले केस में धन सिंह उइके के बेटे रुकुम उइके को मारकर रोड के किनारे डाल दिया गया, जिसमें कोई समझे कि किसी अज्ञात वाहन ने मारा है। दूसरे केस में किंदई थाने के अंतर्गत ग्राम खुदरी की रहने वाले पीताराम कुंजाम की बेटी बेलकई बाई को गर्भवती करने के बाद छपारा थाना के अंतर्गत नेशनल हाईवे स्थित बंजारी मंदिर के पास उसकी हत्या कर गड्ढे में डाल दिया था। घनसोर से दिलीप यादव की रिपोर्ट। 2020 को लखना गोन मंडला स्टेट हाईवे पर हमको एक शव मिला था, जिसमें हमने 302 का अपराध पंजीबद्ध किया। थाना किंदई जिला सिवनी अंतर्गत है ये। इसमें हम लगातार इसकी पड़ताल कर रहे थे। श्रीमान एसपी महोदय सिवनी के द्वारा मुझे निर्देशित किया गया था, किंदई टीम को निर्देशित किया गया था विवेचना के लिए। हम लगातार पड़ताल में लगे हुए थे। साइबर टीम और फॉरेंसिक टीम और मुखबिरों की मदद से हमको सफलता हाथ लगी। हमने संदेहों को गिरफ्त में लिया, उनसे सूक्ष्मता से पूछताछ की, जिसमें प्रदीप नामक संदेही ने हमको बताया कि उसका ग्राम खुदरी थाना किंदई अंतर्गत एक लड़की से प्रेम संबंध हो गए थे और उस संबंध के दौरान वो गर्भवती हो गई थी। उसका गर्भपात कराने के उद्देश्य से उसने उसको घर से लेके गया और लेके जाने के बाद उसको नेशनल हाईवे 07 पे ले जाके उसके दोस्त रुकुम के साथ मिलकर मार डाला चाकू से और उसको दफन कर दिया, वहां पे गड़ा दिया। इसके पश्चात वो अपने घर चला गया। इसके बाद वो जब घर चला गया तो ये एक रहस्य बन गया, क्योंकि ये उसने पिछले साल 2019 में ठंड के मौसम में किया था, तो वो पकड़ में नहीं आ रहा था, वो बहुत स्वतंत्र घूम रहा था। इसके अलावा ये जो रुकुम था, उसका साथी जिसने उसका सहयोग किया था लड़की को मारने में, ये उसको ब्लैकमेल करने लगा प्रदीप को और उससे पैसों की मांग करने लगा। इस चीज से वो विचलित होकर रुकुम उइके की हत्या की योजना उसने बनाई। उसके लिए उसने अपने एक साथी चैन सिंह को सम्मिलित किया इस योजना में, और सम्मिलित करने के बाद दोनों ने मिलकर उसको 14 मार्च 2020 को लखना दोन मंडला हाईवे के किनारे मारकर और उसकी लाश को झाड़ियों में फेंक दिया था। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।